जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 2, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। पिछली क्लास में मैंने आपको ट्रायल बैलेंस के बारे में बताया था ना, यस सर। और आज की क्लास में जो समझना है वो है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। मतलब करा कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट होता क्या है, सबसे पहले आप इसके बारे में आप समझिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रायल बैलेंस से क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। इसके पहले मैंने ट्रायल बैलेंस के बारे में बताया था ना कि एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है जिससे हम उसमें क्या करते हैं, डेबिट साइड वाले का अमाउंट डेबिट साइड में रखते हैं और क्रेडिट साइड का अमाउंट क्रेडिट साइड में लिखते हैं। सबका फॉर्मेट क्या है, अलग अलग। जैसे मैंने सिंपल जर्नल एंट्री पढ़ाया था तो उसका फॉर्मेट अलग था, ट्रायल बैलेंस का भी फॉर्मेट अलग था, और जो आज की क्लास में प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स पढ़ना है इसका भी फॉर्मेट क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा। और उसमें मैंने आपको ट्रायल बैलेंस में पढ़ा पता बताया था मैंने, ट्रायल बैलेंस कब क्रिएट करते हैं, कब बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, अच्छा 31 मार्च को उसको हम तैयार करते हैं ना, यानी कि जिस डेट को हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है। सेम उसी तरीके से फाइनल अकाउंट्स का भी कुछ ऐसे ही रूल है, जिस तरीके से आपको ट्रायल बैलेंस एक प्रकार का स्टेटमेंट होता था वैसे ही आपका फाइनल अकाउंट्स भी एक प्रकार का क्या है, आपका स्टेटमेंट है। जैसे इसमें बता रहा है कि फाइनल अकाउंट्स एक ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनाया जाता है, यानी कि 31 मार्च को बनाया जाता है। और कह रहा है कि जो किसी बिजनेस के फाइनल रिजल्ट को फाइनेंशियल टर्म में दर्शाता है, और किसी भी बिजनेस के फाइनल रिजल्ट के दो पक्ष होते हैं। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो कह रहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि बिजनेस के फाइनल रिजल्ट को फाइनेंशियल टर्म में दर्शाता है, और कह रहा है कि किसी भी बिजनेस के फाइनल रिजल्ट के दो पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं, दो पक्ष होते हैं। पहला लिखा हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद लिखा है पीएल अकाउंट। समझ में आ रहा है ना, एक आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है और एक आपका पीएल अकाउंट होता है, और दूसरा आपका होता है क्या, बैलेंस शीट। समझ में आ रहा है ना, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स में आपको बताया जा रहा है कि ये भी एक प्रकार के ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनाया जाता है, जो किसी बिजनेस के फाइनल रिजल्ट को फाइनेंशियल टर्म में दर्शाता है। यानी कि फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है, प्रॉफिट में आ रहा है कि लॉस में आ रहा है, या कितने रुपए का आपके बिजनेस में एसेट्स बचा है, या कितने रुपए का कैपिटल बचा हुआ है, या कितने रुपए से आपने परचेज किया है, कितने रुपए से आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है, और कितने रुपए से क्लोजिंग बैलेंस बचा हुआ है, इसका पूरा रिपोर्ट हम आसानी तरीके से फाइनल अकाउंट से निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, और इसमें लिखा भी है, देखिए करा कि किसी भी बिजनेस के फाइनल रिजल्ट के मात्र दो पक्ष होते हैं। कितना पक्ष, दो पक्ष, करा कि ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट, और सेकंड कह रहा है कि बैलेंस शीट। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में कि ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट मुख्य रूप से गुड्स की परचेज और सेल से संबंधित होता है। समझ में आ रहा है ना, कह रहा है जो ट्रेडिंग अकाउंट होते हैं वो मुख्य रूप से गुड्स की परचेज और सेल से संबंधित होता है। अब देखिए सेल और परचेज की रिक्वायरमेंट किस में आती है, बिजनेस में आती है, इसी में आती है ना। तो अगर बात किया जाए सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में, तो इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब गुड्स की परचेज और सेल करते हैं। कह रहा है कि जिसमें व्यवसाय की ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को दर्शाया जाता है। दो ऑप्शन इसमें मिला है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। तो ग्रॉस का मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अगर वहीं नेट की बात आ जाए तो आप ये परफेक्ट रूप से मान लीजिएगा कि नेट हमारे बिजनेस में लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, लेकिन इसमें क्या बात किया जा रहा है, ग्रॉस की बात किया जा रहा है। तो ग्रॉस का मतलब होता है अनुमान लगाते हैं कि हमारे बिजनेस में इतने रुपए का प्रॉफिट होगा चाहे इतने रुपए का लॉस हुआ होगा। और कह रहा है कि जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग और फाइनेंशियल एक्सपेंस को शामिल नहीं किया जाता है, और ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट निम्नलिखित होता है। देखिए इसमें एडमिनिस्ट्रेशन नहीं जोड़ा जाता है, प्लस सेलिंग नहीं जोड़ा जाता है, और फाइनेंशियल एक्सपेंस को शामिल नहीं किया जाता। इसमें मात्र परचेज और सेल से संबंधित इसमें ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं, और एक प्रकार का इससे हमको ये पता चलता है कि हमारे बिजनेस में ग्रॉस लॉस हुआ है कि ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। तो जैसे देखिए इसका जो फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है, ये तो आपको सॉल्यूशन बताया हुआ, इसकी फॉर्मेट आपको नीचे दिया गया। तो देखिए जैसे लिखा भी है,
देखिए जैसे अगर इस फॉर्मेट को हम बनाएंगे तो कह रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट निम्नलिखित होता है। याद करिए मैंने आपको ट्रायल बैलेंस में बताया था, तो ट्रायल बैलेंस में क्या था? पार्टिकुलर था, फिर डेबिट था और फिर क्रेडिट। एलएफ भी बीच में था क्या? एलएफ भी बीच में था, लेजर ऑफ फुल यूज। यानी कि जो फॉर्मेट मैंने आपको ट्रायल बैलेंस का बनाया था उसमें आपका सबसे पहले पार्टिकुलर था, फिर उसके बाद से एलएफ था, फिर उसके बाद से डेबिट था, फिर उसके बाद से क्रेडिट था। लेकिन इसमें चार आपको कॉलम बनता है। इसमें पार्टिकुलर हो जाएगा, फिर अमाउंट हो जाएगा, फिर पार्टिकुलर हो जाएगा, फिर अमाउंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए इसको हम एक्सेल पे बनाते हैं, सबसे अच्छा रहेगा, आपको समझ में आ सकेगा। तो पहले इस ऑप्शन को हम समझा देते हैं। देखिए जैसे टू ओपनिंग लिखा हुआ है ना, तो टू ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? टू ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? अगर अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो कितने रुपए का स्टॉक अपने ला करके सामान मतलब दुकान में मैंने रखा, तो जितने रुपए का अगर मैंने सामान रखा उस अमाउंट को हम यहाँ पे क्या कर देंगे? दर्शा देंगे। समझ में आ रहा है ना? इसके बाद से यहाँ पे लिखा है टू परचेज, कितने रुपए का मैंने परचेज किया वो भी इसमें ला करके रख देंगे। और लेस रिटर्न का मतलब ये होता है कि कितने रुपए का मैंने खरीदा हुआ सामान वापस कर दिया, तो ये भी हम रखेंगे यहाँ पे। और जो शेष अमाउंट बचेगा उसको इसमें ला करके रख देंगे। जैसे मान के चलिए 5,000 रुपए का मैंने कोई सामान परचेज किया, उसमें से 1,000 रुपए का मैंने सामान लेस कर दिया, रिटर्न कर दिया, तो कितने रुपए का बचा? तो 4,000 हम इसमें अमाउंट में ला करके भर देंगे। समझ में आ रहा है ना? इसके बाद से यहाँ पे लिखा है टू डायरेक्ट एक्सपेंस, हमारे बिजनेस में क्या क्या एक्सपेंस हो रहा है, जैसे वेजेस है, कैरेज चार्ज है, फ्रेट है, ऑल फैक्ट्री एक्सपेंस है, और ये सब चार्ज वगैरह मिला करके 20,000 रुपया मैंने क्या किया है? खर्चा किया। तो इसमें हम क्या लिख देंगे? 20,000 रुपया खर्चा लिख देंगे। अब देखिए जब इसमें लिख देंगे तो अब इधर से कैलकुलेशन नहीं करेंगे, केवल कैलकुलेशन हमको इधर से करना है, और टोटल अमाउंट यहाँ पे हम जोड़ेंगे कि टोटल अमाउंट कितना रुपया आ रहा है। एक साइड का बराबर होगा, अब इसी के हिसाब से हमको दूसरा लिखना है। तो एक चीज आप समझिए, मैं बता दे रहा हूँ आपको, अगर ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन में अगर ओपनिंग स्टॉक आता है, देखिए ओपनिंग स्टॉक दिया है, अगर क्वेश्चन में अगर ओपनिंग स्टॉक आता है चाहे परचेज आता है, तो जैसे ओपनिंग स्टॉक आएगा तो हम इसके पहले क्या करेंगे? टू लगाएंगे और उसको लेफ्ट साइड में हम क्या करेंगे? टाइप करेंगे। किसके लिए? ओपनिंग स्टॉक के लिए। अगर क्वेश्चन में परचेज आता है तो परचेज को भी हम लेफ्ट साइड में रखेंगे और परचेज से पहले क्या लिखेंगे? टू लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना? अगर परचेज रिटर्न आता है तब क्या करेंगे? लेफ्ट साइड में लिखेंगे और लेस रिटर्न लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना? अब इसके बाद से अगर जितना भी एक्सपेंस आता है, जैसे किस प्रकार का एक्सपेंस है, तो देखिए इसमें एक्सपेंस भी बहुत दिखा हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार का एक्सपेंस है, वेजेस भी एक प्रकार का एक्सपेंस है, पैकिंग मटेरियल्स क्या है ये भी एक प्रकार का एक्सपेंस है, और प्रेमिसेस रेंट ये भी एक प्रकार का एक्सपेंस है, और प्लस फैक्टोरी ये भी एक प्रकार का एक्सपेंस है, और फ्यूल भी एक प्रकार का क्या है? एक्सपेंस है। तो जितना एक्सपेंस आएगा यहाँ पे हम लिख देंगे टू डायरेक्ट एक्सपेंस, और ब्रैकेट में लिख देंगे एग्जाम्पल वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, और उसके साथ साथ मान के चलिए पैकिंग मटेरियल चार्ज, इसके साथ साथ प्रीमिस रेंट, इसके साथ साथ ऑक्टोरी, इसके साथ साथ फ्यूल, इतना लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और पूरे अमाउंट को जोड़ करके यहाँ पर हम क्या करेंगे? बैलेंस फिलअप कर देंगे, और लास्ट में हम ये जोड़ेंगे कि लास्ट में हमारे पास बैलेंस कितना हुआ। समझ में आया? तो इसके पहले हमको टू लिखना अनिवार्य होता है। अब चलिए बाई कब लिखते हैं, तो अगर ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन में अगर सेल्स आता है तो उसको फाइनल अकाउंट बनाते समय राइट साइड में लिखते हैं, और सेल्स के पहले क्या लिखना होता है? बाय लिखना होता है। अगर सेल्स रिटर्न आता है तो उसको भी फाइनल अकाउंट बनाते समय राइट साइड में लिखते हैं, और लिखते हैं क्या? लेस रिटर्न। इसके बाद से बाय क्लोजिंग स्टॉक, हमारे अकाउंट में कितना पैसा बचा हुआ है, हमारे स्टॉक में कितना रुपए का सामान बचा हुआ है, उसको क्लोजिंग स्टॉक में रखते हैं, और तब लास्ट में यहाँ से हम क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। तो जैसे देखिए इसकी फॉर्मेट हम जो है एक्सेल पे बना करके बता दे रहे हैं, आपको डीपली समझ में आ जाएगा। समझ में आया कि यहीं पे बता दें? बताइए जैसा आप लोग कहिए, यहीं पे बता दें कि एक्सेल पे बताएं? एक्सेल पे बता दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है चलिए यहां से हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं। एक मिनट, अभी बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं, सब बता रहे हैं। इसमें लिख लेंगे प्रिपरेशन ऑफ फाइनल
31 मार्च क्या डेट लिखा है, ईयर में क्या लिखा है देखिए तो ट्रांजेक्शन में 2016 लिखा है। चलिए यहाँ पे 2016 का बना हुआ है, इसमें 2016 हम लिख देते हैं। ये मत समझिएगा कि जो डेट लिखा जाएगा वही डेट हमको फिलअप करना है। आखिर अगर हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो अलग अलग डेट उसमें जिक्र किए करेंगे ना, तो अलग अलग डेट के हिसाब से हम उसमें फिलअप करेंगे। अब देखिए ये कैसे हम बनाते हैं भैया, ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि इसी के आधार पे हमको बनवाना भी है। अब चलिए अब इसके बाद से यहाँ पे एक और हम ऐसे ले लेते हैं, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेडिंग क्या लिखा हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, ये लिखा हुआ है ना। इस हेडिंग को हम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, अभी तो मैंने मेन हेडिंग दिया था, यहां से ला करके इस हेडिंग को हम तैयार करेंगे। कॉपी हम कर रहे हैं, आप लोग बनाना ठीक है। ये भी बिजनेस, ये भी जब जो है आपका क्या होता है, जब बिजनेस आपका एंड होता है यानी कि जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है उस केस में इसकी बनाने की रिक्वायरमेंट आती है। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए इसमें कितना कॉलम बना है, चार कॉलम बना, एक तरफ पार्टिकुलर लिखा है और एक तरफ अमाउंट लिखा है ना। चलिए अकाउंट है कि अमाउंट है, इसमें लिख लेंगे पार्टिकुलर और इसमें अमाउंट है, इसमें हम टाइप कर लेंगे अमाउंट, 1 2 3 और इसमें भी लिख लेंगे अमाउंट। इसमें भी लिख लेंगे पार्टिकुलर पार्टिकुलर है कि पार्टिकुलर्स, यस जुड़ा है, यस जुड़ा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, देखिए सबसे पहले देखिए पार्टिकुलर में जिसमें वैल्यू नहीं लिखा है उसके उसके बारे में बोलिएगा आप लोग, ठीक है। केवल ये बोलना है टू ओपनिंग स्टॉक, इसके बारे में आप बोलते जाइएगा, ठीक है। क्या लिखा है, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, अब इसके नीचे क्या लिखा है, टू परचेज स्टॉक है, क्या लिखा है, ठीक है ठीक है, वो छोड़ देगा कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद से क्या लिखा है, लेस रिटर्न, लेस रिटर्न को क्या बोला जाता है, परचे रिटर्न के नाम से बोला जाता है, लेस रिटर्न। इसके बाद से क्या लिखा है, स्पेस भी है क्या बीच में, नहीं ठीक है, टू डायरेक्ट एक्सपेंस लिखा है, टू डायरेक्ट एक्सपेंस। अब क्या क्या लिखा है इसमें, हाँ एग्जाम्पल में वेजेस लिखा है, वेजेस यहाँ पे हम टाइप कर देंगे, इसके बाद कैरिज, और इसके बाद कैरी चार्ज है, इसके बाद रेट एंड कॉमा ऑल फैक्ट्री एक्सपेंस, और कुछ है ये ब्रैकेट क्लोज। चलिए अब देखिए करना क्या है, मैं बता रहा हूँ मिस्टर बात नहीं, कहाँ खोए हो, इसको समझ लो, उसके बाद से अपना बिजी रहना, नहीं तो नहीं समझ में आएगा तो फिर बाद में कहोगे कि
हो ही नहीं पा रहा है ट्रांजिट से। चलिए इसके बाद से क्या लिखा है, टू ग्रॉस प्रॉफिट और टोटल लिखा है ना, टू ग्रॉस प्रॉफिट। चलिए यहाँ पे हमको टाइप कर देना है टू ग्रॉस प्रॉफिट। और एक चीज समझिए, अगर क्वेश्चन में जैसे मान के चलिए कि क्वेश्चन के सॉल्यूशन में अगर ग्रॉस प्रॉफिट अगर प्रॉफिट आता है तो उसको हम फाइनल अकाउंट बनाते समय उसको लेफ्ट साइड में लिखते हैं और उसके पहले क्या लिखते हैं, टू ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब लाभ और ग्रॉस का मतलब अनुमान लगाया जा रहा है कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट इसके बाद से क्या लिखा है, टोटल। अब चलिए राइट साइड वाला बताइए, बाय सेल्स, बाय सेल्स हो जाएगा। अब इसके बाद से लेस रिटर्न हो जाएगा, लेस रिटर्न मतलब सेल्स रिटर्न, समझ में आ रहा है ना। इसके बाद से क्या लिखा है, क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक वैसे है कि टू है, अच्छा बाय क्लोजिंग स्टॉक इसमें लिख लेंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद से क्या लिखा है, बाय ग्रॉस लॉस। देखिए अगर क्वेश्चन बनाते समय जैसे मान के चलिए कि अगर ट्रेडिंग अकाउंट हम सॉरी अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं और उस केस में अगर ग्रॉस लॉस आ गया, अगर केवल लॉस आ गया तो उसको हम फाइनल अकाउंट बनाते समय राइट साइड में लिखेंगे और उसके पहले क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस लॉस लिखेंगे, समझ में आ रहा है ना। अब चलिए अभी तक तो मैंने आपको केवल सिंपली आपको बताया, अब आपको समझना है कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। अब इसमें ध्यान से समझिएगा क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आया तो इसके बाद कुछ भी समझ में नहीं आएगा, 100% गारंटी है, क्योंकि इसको आप समझिएगा सबसे पहले। चलिए इसकी साइज को हम बढ़ा लेते हैं, अब चलिए जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है टू ओपनिंग स्टॉक, मतलब बिजनेस मैंने ओपनिंग किया तो उस समय मैंने कितने रुपए का स्टॉक अपने बिजनेस में रखा, उसको हम जानते हैं किस नाम से, टू ओपनिंग स्टॉक के नाम से। तो चलिए मैंने यहाँ पे दे दिया मात्र और मात्र 20,000 रुपए, कितना रुपया, 20,000 रुपया। ध्यान से समझिएगा, 20,000 से मैंने बिजनेस क्या किया, स्टार्ट किया। अब इसके बाद से आता है टू परचेज, मतलब कितने रुपए का मैंने सामान खरीदा, तो इसमें मैंने दे दिया मात्र 10,000 रुपए, कितना रुपया, 10,000 रुपया। अब इसके बाद से आता है लेस रिटर्न, और लेस रिटर्न का मतलब ये हुआ कि कितने रुपए का सामान मैंने वापस कर दिया, तो मान के चलिए कि मैंने 2,000 रुपए का सामान क्या कर दिया, वापस कर दिया। अब फाइनल हम इसी में अमाउंट लिखेंगे, अब 10,000 रुपए का मैंने सामान खरीदा था, 2,000 का मैंने रिटर्न कर दिया, शेष कितने का बचा, 8,000। यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइप करेंगे, कोई दिक्कत। अब चलिए अब आता है टू ग्रॉस एक्सपेंस, जैसे वेजेस है, कैरेज है, तमाम प्रकार का एक्सपेंस दिया हुआ है, खर्चा दिया हुआ है, तो खर्चे वाले पैसे को हम एक जगह जोड़ लेते हैं और जोड़ करके मतलब एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं कि मान के चलिए कि हमारे बिजनेस में 12,000 रुपए का क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ, खर्चा हुआ, कोई दिक्कत। अब चलिए अब हम इस अमाउंट को जोड़ते हैं, सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सम, ब्रेकेट यहाँ से ओपन करेंगे। अब इस पूरे डेटा को आप क्या कर लीजिएगा, सिलेक्शन कर लीजिएगा, ब्रेकेट क्लोज करके हम एंटर कर देंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले अभी नहीं, इसको अभी कैलकुलेशन करेंगे, अभी ये टोटल आपको नहीं निकालना होता, पहले तो आपको बैलेंस सेट करके आपको समझना होता। अब चलिए अब दे रहा है क्या, बाय सेल दे रहा, यानी कि कितने रुपए का मैंने सेल किया, तो आप खुद देखिए अमाउंट में इसको नहीं लिखा हुआ, इस साइड में लिखा हुआ दिख रहा है ना, क्योंकि रिटर्न भी दिया हुआ है। तो चलिए अगर आपको सेल्स का अमाउंट आपको देखना है, तो जैसे मान के चलिए कि मैंने अपने बिजनेस में
20,000 रुपए का किसी प्रोडक्ट को मैंने क्या किया, सेल किया, जिसमें से रिटर्न कर दिया मात्र कितने रुपए का, 5,000। कितने रुपए का, 5,000 का। तो शेष कितना बैलेंस बचेगा, 15,000। इसमें लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा, आप लोग गलती मत करिएगा। अब इतने रुपए का मैंने क्या कर दिया, मतलब शेष हमारे पास रिटर्न करने के बाद बचा हुआ है। अब चलिए, अब दे रहा है बाई क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक मैंने 20,000 से किया, और बाई क्लोजिंग स्टॉक में मान के चलिए कि मात्र आपके पास 1,000 रुपए का स्टॉक आपके पास बचा हुआ है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कब बताता है, जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तब बताता है, मतलब फाइनेंशियल ईयर के एंड में बचा हुआ स्टॉक ही हमारा क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है ना। अब चलिए, अब यहाँ पे आपको निकालना है कि इसका टोटल कितना हुआ, और यहाँ पे आपको निकालना है कि इसका टोटल कितना हुआ। तो 15,000 ये, और प्लस 1,000 ये, 15 और ये कितना हो जाएगा, 16,000 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा आप लोग, 16,000 राइट साइड में आ गया। अब हम चलते हैं लेफ्ट साइड में, तो 20,000 ये और 8,000 ये, 20 और 8 कितना हो जाएगा, 28। 28 और 12 कितना होगा, इधर आ गया आपका कितना, 40,000 आ गया। तो किस साइड का अमाउंट कम है और किस साइड का अमाउंट आपका ज्यादा है, लेफ्ट साइड का ज्यादा है और राइट साइड का कम है। अब दोनों में आपको समझना है कि अगर एक साइड आपका 16,000 आ रहा है और एक साइड आपका 40,000 आ रहा है, तो 16,000 में कितना और आप जोड़ देंगे तो 40,000 के बराबर हो जाएगा, बताइए। इसके लिए तो माइनस करना पड़ेगा ना, तो सबसे पहले इक्वल लिखिए, और यहाँ पे लिखना है सबसे पहले 40,000, और माइनस कितना लेना है, 16,000। यानी कि 16,000 में कितना, 24,000 और आप जो है राइट साइड में जोड़ देंगे, तो दोनों अमाउंट एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अगर ये 24,000 रुपया आ रहा है, तो ये 24,000 हमारा ग्रॉस लॉस है, क्या है, ग्रॉस लॉस है, क्योंकि जब तक हम ये 24,000 यहाँ पे दिखाएंगे नहीं, तब तक हमारा बिजनेस का इक्वल नहीं होगा, ना तो हमारा लेफ्ट वाला ना तो हमारा राइट वाला। अब यही अमाउंट के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि हमारे बिजनेस में 24,000 रुपए का क्या हुआ है, ग्रॉस लॉस हुआ है। एक अनुमान लगाया जा रहा है कि हमारे बिजनेस में 24,000 रुपए का लॉस हुआ है। किसी को कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, आप इसमें बता सकते हैं कि हमारे बिजनेस में 24,000 रुपए का लॉस हुआ है। अब चलिए एक क्वेश्चन और बताइए, अब जैसे मान के चलिए अगर यही बैलेंस हम इस साइड लेके चले आए और ये बैलेंस हम इस साइड लेके चले आए, जैसे मान के चलिए अगर आपका लेफ्ट साइड वाला कम हो और राइट साइड वाला ज्यादा हो, तब हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट होगा। समझ में आया, बस दोनों में यही अंतर आपको समझना होता है कि कब और किस कंडीशन में प्रॉफिट होगा, कब और किस कंडीशन में आपका लॉस होगा। कोई दिक्कत किसी को, इसी के आधार पे ये ट्रांजेक्शन आपको समझाया गया। ध्यान से देखिए, ये चाहते तो हम यहाँ पर भी तो अमाउंट भर भर सकते थे, इसमें अमाउंट आप भर दीजिए और लास्ट में आप टोटल पहले निकाल लीजिए। हाँ एक काम करिएगा, आप लोग टोटल पहले मत करिएगा, टोटल पहले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाला ऑप्शन आपका खाली रहता है, ये ध्यान दीजिएगा, ये वाला ऑप्शन क्या रहता है, खाली रहता है, क्योंकि इसमें तब आपको पता चलेगा जब आप टोटल करेंगे, नहीं तो पता ये चलेगा कि आपने प्रॉफिट लिख दिया और आपका व्यापार जा रहा है लॉस में, तो क्या वो ट्रांजेक्शन सही होगा। इसलिए दोनों अमाउंट जब इक्वल करिएगा, तब जिस साइड का कम होगा, जितना कम होगा उतना ला करके हमको प्लस करना होता है। अब क्वेश्चन ये बनता है, सर प्लस क्यों करते हैं, तो दो पक्ष दिया है ना, तो दो पक्ष अगर इक्वल नहीं होगा तो क्या हमारा ट्रांजेक्शन सही होगा, क्योंकि दोनों पक्ष हमको इक्वल करना होता है। जब तक दोनों पक्ष हमारा इक्वल नहीं होगा, तब तक हमारा ट्रांजेक्शन सही नहीं होगा। ये आपको सिखाता है क्या, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। कोई दिक्कत इस ट्रांजेक्शन में किसी को, हाँ हाँ लगाए यहाँ पे 20,000 40,000 अमाउंट कैसे आ गए। अरे यार हमारी बात सुनो पहले, ये 20,000 से मैंने बिजनेस ओपनिंग किया, क्या उसके बदले उसके बाद तुम कोई सामान नहीं खरीदोगे बेचने के लिए, तब वही तो है, दूसरा क्या है। और 20,000 से पूरा जीवन भर चलाओगे, बताओ। और ये बताओ, अगर किसी कस्टमर को तुम गुड्स सेल करते हो तो क्या वो रिटर्न नहीं करेगा, तो उसको तुम बाहर कर दोगे, फेंक दोगे। तो ये सब हम समझ करके तब तो अकाउंट बनाते हैं, वही इसमें बताया गया। अब कोई कंफ्यूजन, और तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसको बना लीजिए आप लोग कॉपी पे। एक चीज समझिएगा, जिस साइड का अमाउंट आपका ये कम और ज्यादा आएगा, जैसे मान के चलिए कि इस साइड कम आया है, तो इसमें मैंने ला करके इतना जोड़ा है, इसको कलर आप चेंज कर दीजिएगा समझने के लिए, जिससे आपको ये आइडिया मिल सके कि हमारा बिजनेस
24,000 रुपए से लॉस में चला गया है, प्रॉफिट में नहीं गया, बन जाएगा। इसमें ऐड करेंगे हाँ, जिस साइड का कम रहेगा उतना अमाउंट हम उसमें ला करके जोड़ देंगे। ये बताइए, ये 2 कब लगेगा और बाई कब मैंने अभी लगेगा और क्वेश्चन में ये। चिल्लाते चिल्लाते मैंने बोला, हाँ ठीक है, क्यों लेकिन कंफ्यूजन है? देखो, मैंने अभी आपको बताया है कि अगर हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के क्वेश्चन में, जैसे ये क्वेश्चन दिया आपको, देखिए अब इसी के हिसाब से छांट करके नीचे बनाया हुआ, इतना इजी बुक आपको दिया गया, फिर भी देखिए, जैसे अगर हमारे क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक आएगा, तो आप ये समझिए कि फाइनल अकाउंट बनाते समय उसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे और ओपनिंग स्टॉक के पहले हम 2 लिख देंगे, बस इतना समझिए, ठीक है? अगर हमारे क्वेश्चन में परचेज आता है तो उसको भी फाइनल अकाउंट बनाते समय लेफ्ट साइड में लिखेंगे और परचेज के पहले 2 लिख देंगे। अगर परचेज रिटर्न आता है तो उसको भी फाइनल अकाउंट बनाते समय लेस रिटर्न लिखना होता है और उसका अमाउंट हमको लिखना होता है। अगर कोई भी एक प्रकार का एक्सपेंस आता है, जैसे वेजेस आ गया, आपका पैकिंग मटेरियल चार्ज आ गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, मतलब ऐसे बहुत प्रकार के चार्जेस आपके आ जाएंगे, टेलीफोन बिल आ गया आपका, तो इसको सब एक्सपेंस को हम एक जगह जोड़ लेंगे और उसको 2 डायरेक्ट एक्सपेंस में ला करके एक जगह अमाउंट उसको हम लिख देंगे, लेकिन किस में? लेफ्ट साइड में, और 2 लगा के लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना? और उसके बाद से क्या लिखेंगे? 2 प्रॉफिट लिख देंगे, 2 ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। और बाई में क्या क्या जाएगा? तो बाई में आपका सेल जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक जाएगा, सेल्स रिटर्न जाएगा, यही तो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया है, और बाई ग्रॉस लॉस जाएगा। अब हो जाएगा? तो चलिए, इसके आधार पे कम से कम 4 क्वेश्चन आप लोग घर से बना के लेके आइए, जिसमें 2 क्वेश्चन आप दिखाना कि राइट साइड का अमाउंट ज्यादा है, तो मतलब ग्रॉस प्रॉफिट में हो चाहे ग्रॉस लॉस में हो, मतलब 2 ग्रॉस लॉस में होना चाहिए और 2 ग्रॉस प्रॉफिट में होना चाहिए। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए हमसे, मैं बता दे रहा हूँ। बाद में ये नहीं होना चाहिए कि सर हमको समझ में नहीं आया। आप लोग इसको कॉपी पे बना लो और इसी के आधार पे ऐसा क्वेश्चन आप लोग बना के लेके आइएगा कि दो ऐसा ट्रांजेक्शन होना चाहिए जिसमें प्रॉफिट होना चाहिए, 2 प्रॉफिट, और 2 आपका लॉस की कैटेगरी में होना चाहिए। बाकी एक बार और इसको हम पढ़ाएंगे कल, लेकिन पहले आप बना के लेके आइए घर से, तक इसको बना लीजिए कॉपी में, कोई दिक्कत नहीं है? मिस्टर अनिकेत कुशवाहा, कोई दिक्कत नहीं है? बन जाएगा ना? ट्रायल बैलेंस तो दिखाई भी नहीं किए। हाँ, तो इसको हम चेक करेंगे, इतना समझ लेना, बना के सबको लेके आना आप लोग। हाँ, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए, जो टॉपिक आपको समझ में ना आया। अब देखिए, इसमें भी आप लोग चेंजिंग मत करना, जो हेडिंग है वही हेडिंग आप लोग लिखना, बस अमाउंट आप लोग चेंज कर दो, कोई दिक्कत? अरे, अमाउंट चेंज होगा तो कभी प्रॉफिट में चला जाएगा और अमाउंट चेंज होगा तो कभी लॉस में चला जाएगा, जिससे आपको आसानी तरीके से पता चल जाएगा। कहाँ